हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमारा होमवर्क क्वेश्चन। मैंने तीन क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वो क्या क्वेश्चन थे, किस बेसिस पे थे? वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी चलेगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जैसे मैंने डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, सो यू कैन वेरीफाई योर सॉल्यूशंस। तो क्या करते थे हम, पहला स्टेप क्या होता था, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, मतलब x माइनस वन को आई विल टेक इट इन LHS। तो इस x माइनस वन को मैं इधर लेके आया, तो क्या होगा मेरा, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप इज टेक ऑल द टर्म्स इन द इधर इन द LHS और RHS। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे टर्म्स को RHS में लेके जा रहा हूँ, और क्या करूँगा मैं, क्वाड्रेटिक बनाऊंगा इन x। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वन, आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई प्लस वन या इक्वल्स टू जीरो। फिर मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स वन प्लस वाई, और इधर हो गया प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब क्या स्टेप क्या था हमारा, कि सिंस x इज रियल, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इससे क्या होगा मेरा, y में इनइक्वालिटी आएगा, उसको सॉल्व करूंगा, तो जो मेरा y का सेट आया दैट इज नथिंग बट अ रेंज। तो इसका d करते हैं, तो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y प्लस 1 d हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। देखना ध्यान से, कोई स्टेप मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी तक तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलो अब फर्दर देखते हैं। तो इसमें से क्या किया मैंने, वाई प्लस वन कॉमन ले लिया, तो वाई प्लस वन कॉमन आएगा, तो इधर क्या आएगा, वन प्लस वाई माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको फर्दर लिखा मैंने, वाई प्लस वन इंटू दिस इज वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इससे मेरा क्या आएगा, देखो अब ये, अब इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग इनइक्वालिटी। तो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि वाई का कोफिशियंट क्या है हमारा, वन। जैसे एक्स में होता था तो हम एक्स बोलते थे, इधर वेरिएबल इज वाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो रूट्स हैं उसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो एक रूट मेरा ये है माइनस वन और एक है थ्री, अब उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उससे पहले मैंने साइन लगा लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब थ्री से तो हो गया मेरा इन्फिनिटी, और इक्वालिटी है इसलिए आई विल पुट हियर फिल्ड सर्कल, हियर ऑल्सो फिल्ड सर्कल। तो मेरा आंसर हो जाएगा रेंज इज, रेंज मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यूज का कंप्लीट सेट। तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो चुके, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स एक साइड लेके आना है, क्वाड्रेटिक बनाना है एक्स में, देन उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है। जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो वो तुम्हें वाई में इनइक्वालिटी मिलेगा, उसको फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स में जो सिखाया था सॉल्विंग इनइक्वालिटी उसकी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलो एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर हमारा क्या आ रहा है, आंसर इज ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर हमारा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन को कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो एग्जांपल टू, या क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क क्वेश्चन, तो पहले मैं लिख लेता हूं, द क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसको देख लेते हैं हम, तो क्या करें, वही सारे टर्म्स को एक साइड लेके जाते हैं। तो इसको लिखा मैंने 3yx स्क्वायर प्लस 9yx प्लस 7y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। ठीक है, अब क्या करें, सारे टर्म्स को मैं एक काम करता हूँ, LHS में लेके आता हूँ, क्वाड्रेटिक बनाता हूँ x में। सो इधर क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, और इसके साथ आएगा 3y,
और ये माइनस थ्री, ठीक है, प्लस x का कोफिशियंट देखते हैं, तो इधर से 9y माइनस इधर से 9 और प्लस 7y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक आ गया इन द वेरिएबल x, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, सिंस x इज रियल सो विल मेक d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस क्वाड्रेटिक। उससे क्या होगा, मेरा y में इनइक्वालिटी आएगा, फिर जो इनइक्वालिटी का आंसर होगा दैट इज व्हाट माय रेंज। तो इसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने के लिए चलो इसको स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो 9y माइनस 9 बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, a हियर इज 3y माइनस 3 इंटू c इज 7y माइनस 17, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्या किया है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो अब देखते हैं फर्दर, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से एक काम करता हूँ, थोड़ा फैक्टर कैंसिल कर देता हूँ, कैसे, इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से अगर मैं चलो पूरा 9 ही कॉमन ले लेते, तो 9 कॉमन लूँगा तो ये बाहर बन के क्या आएगा, 81, ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इधर से 3 कॉमन लिया तो 4 इंटू 3 इधर y माइनस 1 और ये हो जाएगा मेरा 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। चलो अब एक 3 मैं यहीं कैंसिल कर रहा हूँ, तुम अगले स्टेप में लिखना, ये 3 हटा तो ये कितने बार जाएगा, 27 इंटू 3, तो ये 27 हो जाएगा इधर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से y माइनस 1 फैक्टर कॉमन आ रहा है वो ले लेता हूँ, तो मेरे को क्या क्वाड्रेटिक ईजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना, y माइनस 1 इधर लिया तो अब देखना क्या बनेगा, 27 इंटू y माइनस 1 तो ये हो जाएगा 27y माइनस 27। अच्छा इधर क्या बचेगा, माइनस 4 इंटू 7 तो माइनस 28y प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 17 प्लस हो जाएगा 17 फोरजा 34 का डबल 68, तो प्लस 68 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब मैं इसको ऊपर का रब कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी कर लो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। सो मैंने इसको रब किया, देखना फिर मैंने लिखा y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आया मेरा 27 माइनस 28 तो माइनस y हो जाएगा ये, और 68 माइनस 27 तो 68 में से 27 गए तो 68 58 48 41 तो प्लस 41, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो ऊपर इनको मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज मेरे को इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद क्या चाहिए, आई वांट लीनियर फैक्टर्स, हम तो बल्कि अगर क्लब दिया हो तो हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं करना है कि तुम पहले इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, फिर y में क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर फैक्टराइज करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। देखो एक्स वाई माइनस वन मैंने इसलिए इधर कॉमन लिया सो दैट मुझे दोबारा फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर ओपन नहीं करना है सारे ब्रैकेट, डोंट मेक हियर क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है ना, मतलब ओपन करके नहीं बनाना है, डायरेक्टली आई विल टेक फैक्टर कॉमन सो दैट थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया। अब क्या करें, अब इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करते हैं, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं अभी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट प्लस बनाते हैं, तो मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख सकता हूं वाई माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा वाई माइनस 41 लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस इज इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज इफ आई विल मल्टीप्लाई इट विद माइनस 1। अब करते हैं तो क्या करते थे हम, रूट्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो एक रूट है 1, एक रूट है 41, लेस देन इक्वल्स टू बोला है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये वाला रीजन, तो मेरा इस फंक्शन का रेंज कितना आ गया, रेंज विल बी दिस इज 1 क्लोज से 41 क्लोज। तो अगर मुझे बोले कोई मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो इस सेट का मिनिमम वैल्यू दैट इज 1, वाई मिनिमम इज 1, वाई मैक्सिमम इज 41, क्लियर है बच्चों। तो एक बार हम देख लेते हैं आंसर हमारा क्या आया, दिस इज इट करेक्ट और नॉट, या इट इज करेक्ट 1 to 41, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आज वैसे हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये हायर डिग्री पॉलीनोमियल के लिए एक टॉपिक और रह गया, वो पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। पहले लेट मी कंप्लीट द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन थर्ड, तो मैं लिख लेता हूं पहले, क्वेश्चन थर्ड था हमारा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 34x
माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है ना। तो इसको और देखते हैं, तो मैंने बोला वही सेम प्रोसीजर, इसको टर्म को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा y, देखो तुम्हें लग रहा होगा सर एक ही एक चीज है बार बार रिपीट हो रही है, ये मैंने इसलिए दिए थे सो दैट प्रैक्टिस हो जाए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अभी मैं एक दो क्वेश्चन आज की क्लास में दूंगा, वैसे वो जरूर दिमाग वाले होंगे, ठीक है ना, तो उनको करना जरूर थोड़ा सा वो होगा दिमाग वाला काम। ये जो मैंने तीन क्वेश्चन दिए थे, एक भी आ गया तो बाकी आ ही जाएंगे, बाकी सब मतलब ये बोल सकता हूं बस वैल्यूज डिफरेंट है, प्रोसीजर एकदम सेम है, ठीक है ना। तो इसको मैंने इधर लिखा प्लस 2xy माइनस 7y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। फिर y में क्वाड्रेटिक बनाना है, सॉरी x में, तो सारे टर्म्स को मैं LHS लेके आ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का नेट कोफिशियंट कितना हो जाएगा y माइनस 1, ये गया और ये गया, प्लस x का कोफिशियंट इधर से 2y इधर से माइनस 34, फिर मेरा माइनस 7y, या फिर ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लो, पहले इधर 71 लेके आए तो प्लस 71 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इन x। तो क्या करूं मैं, सिंस x इज रियल देयरफॉर d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसको स्क्वायर किया तो चलो 2y माइनस 34 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हेयर इज y माइनस 1 इंटू c हेयर इज 71 माइनस 7y, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप देखते हैं अगर फैक्टर कॉमन आ रहा है कुछ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पूरा ओपन करके फिर फैक्टराइज करेंगे, तो अभी तो डायरेक्टली नहीं आ रहा है कोई फैक्टर कॉमन, तो एक काम करते हैं ओपन करते हैं सारा। अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है वैसे, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 बाहर क्या बन के आएगा 4, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये 2 इधर से गया, ये 34 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 17, इधर मेरा आ जाएगा 4। क्लियर हुआ ये स्टेप, ठीक है। अब मैं ये 4 और ये 4 जीरो के पास भेज देता हूँ, सिंस 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मेरा कम से कम थोड़ा तो नंबर्स रिड्यूस हुए ऐसा करने पे। अब मैं ओपन कर देता हूँ, तो देखो इधर क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो वैसे 17 का स्क्वायर कितना हो गया 7 7 49 7 1 7 1 1 7 1 तो 289, तो ये हो गया 289 माइनस 72 AB, तो माइनस 34xy माइनस 34y माइनस y इंटू 71, तो 71y माइनस 7y स्क्वायर माइनस 71 प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर देखते हैं हम, तो मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट को, तो देखो y स्क्वायर और ये हो गया हमारा माइनस 7y स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज 8y स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया। अब y पे आते हैं, तो देखो माइनस 71 71 प्लस 7 78 नेगेटिव के साथ है और इधर भी नेगेटिव है, तो और ऐड हो जाएंगे 78, एक तो मेरा 78 है, एक मिनट देख लेते हैं, 71 प्लस 7 78 प्लस 34 तो 34 तो 1211 तो 112 तो प्लस आएगा, सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस आएगा माइनस 112 y। फिर कांस्टेंट पार्ट देखते हैं, तो 289 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और 71 प्लस 289 प्लस 71 तो 10163 तो 360, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के साथ प्लस 360 और ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो मैं नंबर्स रिड्यूस कर लेता हूँ, तो जो मेरा 112 है दैट इज ऑल्सो जो 112 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, पहले 8 फैक्टर कैंसिल कर देता हूँ, तो मैंने 8 अगर इधर से कॉमन लिया, 8 अगर कॉमन लिया तो ये डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 और 8 को मैंने 0 के पास भेज दिया, तो मेरा 8 कितने बार जाएगा, ये पहले 4 फिर 5 6 फिर 2 फिर 28 फिर 1 और ये 14, तो माइनस 14 वाई बनेगा। इधर डायरेक्टली वैसे दिख रहा है 8 वन ज़ा और 8 फोर ज़ा, तो ये 40 टाइम जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो अब एक काम कर सकते हैं, इसका एक तो ऑब्जर्वेशन से रूट पता चल जाएगा,
या फिर तुम लोग इसको वही वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो मैं डायरेक्टली चलो ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, दिख रहा है, एक मिनट, ऑब्जर्वेशन से 10 प्लस 4, 10 इंटू 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, तो इसके रूट क्या क्या आ गए, सम ऑफ रूट इज 14, तो एक रूट मेरा हो गया 10 और एक हो गया 4, देखो प्रोडक्ट भी वही आ रहा है, तो इसको लिखूंगा मैं वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारा इनइक्वालिटी, हाँ, क्योंकि y का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो अब मैं क्या करूँ, रूट्स को प्लॉट करता हूँ, तो 4 इधर आएगा, इसके आर एच एस में 10 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो फाइनली माई रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज यूनियन 10 क्लोज से इन्फिनिटी, दिस इज माई आंसर फॉर दिस, दिस इज अ रेंज ऑफ दैट एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन हो गया कंप्लीट अबाउट द होमवर्क क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला था अभी मैं थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, तो उसके उससे पहले जस्ट वो होमवर्क क्वेश्चन ही रहेगा, यू हैव टू गिव टाइम टू दैट, उसको मैं नेक्स्ट अगले क्लास में डिस्कशन ले लूंगा उसका, बट उसको करने के पहले मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से सुनना, वो नोट उन क्वेश्चन में यूज होगा। क्या है नोट, देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला फॉर, ऐसे लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इफ ए ग्रेटर देन जीरो, या फिर ऐसे लिख लो, ग्रेटर लिख लो अकेला, एंड डी लेस देन जीरो। हालांकि ये उधर हमने किया था इनइक्वालिटी में, बट अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। याद है हम क्या करते थे, जब कोई क्वाड्रेटिक होता था इनइक्वालिटी में, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि डी निकालते थे, अगर डी पॉजिटिव आता था तो मुझे उसको फैक्टराइज करना पड़ता था लीनियर फैक्टर्स में, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर डी नेगेटिव आता था तो हम क्या लिखते थे, सिंस डी इज नेगेटिव एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो हम क्या करते थे, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, तो फिर उसको हम जीरो के पास लेके जाते थे। तो वही चीज है, तो मैं बोल रहा हूं अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो है और उसने लिखा है दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, कैसे रीड करूंगा, इफ दिस इज, ऐसे लिख लो, इफ इधर लिखो देन इधर लिखो, मैंने लिखा इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सभी एक्स के लिए। तो वो बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो कोफिशियंट जो होना चाहिए एक्स स्क्वायर का दैट शुड बी पॉजिटिव एंड डी शुड बी नेगेटिव। ऐसा क्यों, देखते हैं इसको ग्राफिकली समझते हैं। मैंने बोला ये जो एक्सप्रेशन उसने बोला ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है दैट शुड बी टोटली अबव एक्स एक्सिस। तो अब मैंने बोला कि पैराबोला का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, तो मतलब सिनेरियो समथिंग लाइक दिस, दिस द ओनली पॉसिबिलिटी, मतलब डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डाउनवर्ड होगा तो वो पक्का एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही। मैंने बोला डाउनवर्ड पैराबोला चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, इन ऑल द केसेस डाउनवर्ड पैराबोला कैन नेवर बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। मैंने बोला कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेट्स से जहां से यहां तक, लेट्स से ये 2 से 3 तक के लिए जो मेरे को वाया मिल रहा है दिस इज पॉजिटिव, बट आई वॉन्ट की दिस क्वाड्रेटिक टू बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए पैराबोला जो है ना पूरा कर्व हमेशा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। वो कब होगा, व्हेन ए इज पॉजिटिव। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कि इसको ग्रेटर देन जीरो होने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए, बट ए पॉजिटिव एलोन इज नॉट सफिशियंट। क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव के लिए तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी होती है ना, जैसे मैंने ग्राफ जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था ना 3 पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या देखो इधर देख लेते हैं दोबारा, मैं बोल रहा हूं 3 पॉसिबिलिटी ए ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग। एक तो मेरा ये, एक मेरा ये टच करता हो जा रहा है, और एक मेरा ये, ठीक है। देखो ये तो मैंने प्रूव कर लिया कि ये ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स कब होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। अभी मैं प्रूव क्या कर रहा हूं, एट द सेम टाइम डी शुड ऑल्सो बी लेस देन जीरो फॉर दिस क्वाड्रेटिक टू बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, डी मस्ट बी लेस देन जीरो, ये प्रूव कर रहा हूं। तो मैंने बोला पहले हम इस पे आते हैं जो नहीं है केस। तो देखो क्या ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, क्या ये ग्राफ हमेशा, चलो पहले ये लिख लेते हैं कि कंडीशन क्या है, ये दिस इज फॉर डी ग्रेटर देन जीरो, दिस इज फॉर डी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज फॉर डी लेस देन जीरो।
अब मैंने बोला क्या ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है? नहीं, हमेशा पॉजिटिव होती तो इसका मतलब क्या होता है ग्राफिकली कि उसका ग्राफ जो होना चाहिए पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, बट इसका तो एक्स एक्सिस नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके करस्पॉन्डिंग तो वाई मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, तो दिस इज नॉट फेवरिंग दिस, इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो नहीं चलेगा। फिर मैंने डी इक्वल टू जीरो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये भी क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज एक वैल्यू पे जो ये वाली जो वैल्यू है लेट से टू है, टू पे जो क्वाड्रेटिक है ना वो जीरो आ रहा है, बट उसने तो बोला कि ग्रेटर देन जीरो चाहिए मुझे, मतलब जीरो भी नहीं आना चाहिए, इधर इक्वालिटी नहीं है, हैंस ये भी नहीं चलेगा। अब इधर आते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है? क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है इसका मतलब क्या इसका ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है? हाँ है, बिल्कुल है, हैंस दिस इज माय फेवरेबल कंडीशन। तो वही लिखा है डी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो। तो इसको दिमाग में बिठा लो, दो तीन बार मन में बोल लो क्या कि कोई क्वाड्रेटिक है किसी भी वेरिएबल में हो। मैंने बोला अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एंड आई वांट कि दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू बी ट्रू या सॉरी दैट एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एक्स, मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। मैंने बोला एक क्वाड्रेटिक है दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, तो उसमें दो कंडीशन याद रखना, एक तो क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस डी शुड बी नेगेटिव, बस यही दो चीजें हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इसी में अब मैं डाउनवर्ड की बात कर लेता हूँ, डाउनवर्ड की बात मतलब इधर लेस देन के लिए बात कर लेते हैं हम, तो वीडियो पॉज करो पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं डाउनवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं इधर चेंज कर रहा हूँ बस, देखो अब मैंने बोला आई वॉन्ट दिस इज नोट टू, आई वॉन्ट दिस टू बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स, इसको रीड क्या करते हैं फॉर ऑल, ठीक है, नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना, वैसे बेसिक मैथ्स में बताया था मैंने दिस इज फॉर ऑल। तो अब क्या है ये क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो होना चाहिए सभी एक्स के लिए, इसका ग्राफिकल मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो ग्राफ है दैट शुड बी बिलो एक्स एक्सिस फॉर ऑल एक्स। तो मैंने बोला अगर बिलो एक्स आना चाहिए तो पहले ए का डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने बोला क्या ए पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, ए पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा चाहे तुम ऐसा केस बना लो, चाहे ऐसा बना लो, चाहे चलो मैंने बोला ऐसे नहीं तो ऐसे बना लो, या फिर टच करता हो बना लो। ए पॉजिटिव के लिए क्या ये क्वाड्रेटिक हमेशा छोटी होगी? नहीं, हमेशा नहीं होगी, ठीक है, कुछ एक्स के लिए हो सकती है, जैसे इन इन एक्स के लिए दिस क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव, बट आई वॉन्ट कि ये जो क्वाड्रेटिक है मतलब इसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए, तो ए तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ए नेगेटिव ही हो सकता है। क्या बोला मैं? ए शुड बी नेगेटिव, तो लिख लो ए शुड बी नेगेटिव, पहली कंडीशन। बट मैंने बोला क्या ए एल ए लेस देन जीरो एलोन इज सफिशियंट, तो आंसर मिलेगा नहीं, नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ए लेस देन जीरो के करस्पॉन्डिंग तो हमारे पास तीन ग्राफ्स होते हैं, क्या क्या होते हैं देखो मैं बना देता हूँ, एक तो ये, एक मेरा टच करता हुआ, और एक मेरा पूरा नीचे, कब कब होता है वो और लिख लेते हैं। ये कब होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो रियल जगह, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल, तो दिस इज फॉर डी ग्रेटर देन जीरो, दिस इज फॉर डी इक्वल टू जीरो टच कर रहा है, एंड नहीं टच कर रहा है तो डी इज लेस देन जीरो, मतलब एक्स एक्सिस नीचे कट ही नहीं कर रहा। तो अब मैंने बोला क्या ये फेवरेबल है? तो आंसर मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि दिस इज नेगेटिव, मतलब इसका जो ग्राफ है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए, तो इसका पूरा इसका जो ग्राफ है वो पूरा एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है क्या? नहीं, इतना पार्ट जो है वो ऊपर आ रहा है ना, मतलब ये एक्स पे मुझे जो वाई मिलेगा लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस तो पॉजिटिव मिलेगा ना, तो इसका ग्राफ इस कंडीशन में ग्राफ मेरा ब्लो एक्स एक्सिस नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट माई फेवरेबल। सिमिलरली क्या इसके इस केस के लिए ग्राफ मेरा हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है? नहीं, केवल एक पॉइंट पे दिक्कत हो रही, कौन सी? जिधर ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से ये x इज इक्वल टू 5 है, तो 5 पे क्या हो रहा है मेरा क्वाड्रेटिक जीरो हो रहा है, बट आई वांट द क्वाड्रेटिक टू बी नेगेटिव, मतलब ग्राफ x एक्सिस को टच भी नहीं करना चाहिए, जस्ट नीचे से निकल जाना चाहिए, तो ओनली फेवरेबल कंडीशन इज दिस, और ये क्या है डी नेगेटिव, तो मेरा क्या हो जाएगा ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। तो यही नोट कि मैं उस टाइम बहुत स्ट्रेस दिया था मैंने तुम लोगों को, हमने बोला भी था हम क्वाड्रेटिक में इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, तो उधर तो हमने रट लिया था, बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। एक बार और रिकॉल करते हैं, अभी वाला पहले करते हैं जो लेटेस्ट पढ़ा। मैंने बोला आई वॉन्ट ए क्वाड्रेटिक टू बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक क्वाड्रेटिक नेगेटिव होना चाहिए हर एक एक्स के लिए। इसको इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? पहली बात, पहला स्टेप क्या है ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि वो जो ग्राफ है दैट शुड बी एंटायरली
बिलो द एक्स एक्सिस, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए। अब मैंने पहले बोला अगर नीचे आना है तो डेफिनेटली ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज अगर ए पॉजिटिव हुआ तो वो ऊपर जाएगा, तो मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, इसलिए फर्स्ट कंडीशन इज ए नेगेटिव। फिर मैंने बोला कि ए लेस देन जीरो एलोन इज नॉट सफिशियंट, क्यों, ए लेस देन जीरो के करस्पॉन्डिंग वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। नाउ वी हैव टू सी इन विच ऑफ द पॉसिबिलिटी द ग्राफ इज एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, देन यू कैन सी इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन आई कैन सी कि द ग्राफ इज नॉट एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, थोड़ा सा जो पार्ट है इसका ग्राफ का वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, hence this is not favorable. Similarly this is not favorable, why, because इसमें क्या हो रहा है x is equal to 5 पे मेरा y quadratic जो है ना वो जीरो हो रहा है, मतलब ग्राफ जो x axis को टच कर रहा है, एंड आई वॉन्ट कि वो इक्वल टू जीरो भी ना हो, इधर इक्वालिटी नहीं है, आई वॉन्ट लेस देन जीरो, मतलब टोटली नीचे होना चाहिए, जीरो भी इंक्लूडेड नहीं करना है, hence this is also not favorable. ये ग्राफ दिख रहा है, हाँ दिस इज द फेवरेबल ग्राफ, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, That means the quadratic is negative for all x. So this is my favorable condition. So two condition आई हैं, एक तो a negative and d less than zero. Both should be satisfied for this condition. Clear है बच्चों? चलो अब मैंने बोला कि जो मैंने note लिखवाया इन दोनों के आधार पे और जो कल जो मैंने पढ़ाया था जिसके आज हमने example भी लिखे थे, homework question किए थे, range of quadratic upon quadratic, इन दोनों का mix करके I'll give you one question, one or two question. बहुत अच्छे questions हैं, बहुत अच्छे level के questions हैं, इसलिए उनको time देके, अच्छा सा time देके उसको solve करना। और वैसे sheet में sheet ही का question है वो, DPP 5 का question है, वैसे मैं तुम लोगों को DPP भी दे दूंगा और अभी लिख भी देता हूँ question। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। हाँ तो क्वेश्चन इज, लिख लो इसको, होमवर्क क्वेश्चन वन, मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन, फॉर विच द एक्सप्रेशन, फॉर विच द एक्सप्रेशन y is equal to ax square plus 3x minus 4 upon 3x minus 4x square plus a assumes all real values for real values of x belongs to, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, belongs to मतलब एक ही रेंज निकालनी है मुझे, एक ही वैल्यूज निकालनी है, उसने बोला है ये जो एक्सप्रेशन है ना assumes all real value, इसका मतलब क्या है, देखो अभी तक तो क्या था हमारा, इधर कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं था, अभी उसने क्या, देखो अगर मान लो ए की वैल्यू मैंने लेट से 1 रख दी, फिर मेरा ये क्वेश्चन पहले की तरह कन्वर्ट हो गया कि यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ वाई, बट इसने अब क्या बोला है कि दिस assumes all real values, मतलब क्या है, दिस इज what, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, All real values मतलब इसका range is R. This is the meaning. इसका range क्या है हमारा, R है, मतलब R है मतलब minus infinity से infinity इसका range है, वो कब आएगा x की किस values के लिए वो मुझे निकालना है, I hope clear हुआ meaning, ठीक है ना, इसका मतलब जो मैंने assumes all real values, this means इसको लिख लो अगर side में लिखना है तो range is R, capital R, all real values. अच्छा इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको और लिख लेते हैं, द क्वेश्चन इज इफ एम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ m इज देन value of m is, और हमारा options भी दिए इसमें, options is m is less than equals to 7, option b is m is greater than equals to 1, ठीक है, option c is m belongs to 1 close से 7 open and option d is minus infinity से 1 close,
ठीक है। सो दीज टू विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। और अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे कैटेगरी क्वेश्चन है, एक तो रेंज वाला कंसेप्ट प्लस जो मैंने अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स तो क्या होता है। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद, दैट इज थियरी ऑफ इक्वेशंस।